हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास सेवन की सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 11 डिस्कस करेंगे। डेट इस वर्कशीट की बच्चों 23 अगस्त 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों। तो देखते हैं हम आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे लेट्स रिवाइज द न्यूली लर्न वर्ड्स ऑफ चैप्टर 3 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन नामक चैप्टर में जो हमने नए वर्ड सीखे थे उनको हम रिवाइज करेंगे। तो ए पार्ट इसमें इन द चैप्टर 3 क्वेश्चन वी लर्न सम न्यू वर्ड्स, लेट्स टेक ए लुक एट देम बाय गोइंग थ्रू द चैप्टर वंस अगेन। तो हमने थ्री क्वेश्चन नामक चैप्टर में क्या है, बहुत सारे नए वर्ड सीखे थे, आज हम सबको रिवाइज करेंगे एक बार दोबारा से चैप्टर में जाकर। फाइंड दिस वर्ड इन द चैप्टर पेज नंबर 8 to 12। तो आपके पेज नंबर 8 to 12 में ये सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे एंड राइट दे डिटेल इन द स्पेस गिवन। तो आपको यहाँ पे वर्ड्स देखने और इसमें यहाँ पे स्पेस दिया गया, उसमें आपको स्पेस में उनके मीनिंग और उनके सेंटेंस लिखने हैं। वन एग्जांपल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक को आपको करके दिखाया गया है। जैसे कि वर्ड है आपका काउंसिल, काउंसिल का मीनिंग क्या है बच्चों, एक ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल। तो काउंसिल क्या होता है, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि किसी काम की एडवाइस या किसी रूल को बनाने के लिए हमें एडवाइस देते हैं, मतलब हमें चुने जाते हैं ताकि वो हमें एडवाइस दे सके किसी काम को कैसे किया जाता है। सेंटेंस इसका द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइस मैन बाय हिज साइड। तो राजा को अपने पास एक बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल चाहिए थी, एक समूह चाहिए था। तो नेक्स्ट वर्ड है आपके पास वुड और वुड्स, तो मीनिंग बताना आपको। सेंटेंस इसका दिया है तो देखते हैं इसका आंसर बच्चों हम वन बाई वन। तो फर्स्ट आपका वुड, तो वुड क्या होता है बच्चों, मीनिंग क्या है इसका, द हार्ड सब्सटेंस दैट ट्रीज आर मेड ऑफ। तो हार्ड सब्सटेंस जिससे ट्री बनता है, सेंटेंस इसका आपको इस वर्कशीट में दिया गया है तो इसको आप नहीं लिखें, मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ही फिल करना है। तो या आप फिल करेंगे या आप इसको देख लें क्या है इस मतलब इस सेंटेंस का। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। तो हर्मिट क्या है, एक वुड में रहता है तो जिसको वो कभी भी छोड़ नहीं सकता था। नेक्स्ट अफेयर, अफेयर का मीनिंग क्या होता है, थिंग्स मैटर और बिजनेस, ठीक है। तो सेंटेंस इसका ये आपको दिया है, इसका ये आपको फिल करना जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। वी शुड नॉट इंटरफेयर इन टू अदर अफेयर, हमें कभी भी किसी दूसरे के अफेयर या किसी दूसरे के मैटर में, अफेयर का मतलब क्या, मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट आपका फेंटेड, तो फेंटेड का मीनिंग क्या है बच्चों, टू लॉस कॉन्शियसनेस, कि आपको आपका आपको कुछ भी दिख नहीं रहा, मतलब कुछ भी आपको सचेत नहीं हो आप, ठीक है। तो आप क्या बेहोशी की हालत में हो। तो सेंटेंस का ही फेंटेड एट द साइट ऑफ ब्लड, तो जैसे उसने ब्लड देखा तो वो बेहोश हो गया, फेंट हो गया। नेक्स्ट है सीज, सीज मतलब किसी को अपने कब्जे में लेना है। टू ग्रैब समथिंग मीनिंग है इसका, सेंटेंस इसका ही सीज हर बाय द आर्म, उसने उसको बाजू से खींचा, बाजू से ग्रैब किया, मतलब बाजू से उसने उसको अपने कब्जे में ले लिया। हर्मिट, हर्मिट का मीनिंग देखते हैं हम, द पर्सन वू प्रेफर टू लिव अलोन, तो वो पर्सन जो कि अकेला रहना पसंद करता है। तो सेंटेंस इसका, द हर्मिट फॉलोड एन एसेक्टिक लाइफ स्टाइल, तो जो हर्मिट था वो एक एसेक्टिक, जो मतलब जो सन्यासी जीवन जीते हैं वो ऐसा ही जीवन वो जीता है। नेक्स्ट है फेथफुल, फेथफुल क्या है, ट्रू टू द फैक्ट, तो जो कि फैक्ट के को सच हो, मतलब जो फैक्ट होता है वही सच है। ही वॉज ऑलवेज फेथफुल टू हिज वाइफ, वो हमेशा अपनी वाइफ के प्रति फेथफुल है, मतलब वो हमेशा सच का साथ देता है, मतलब सच्चाई के साथ रहता है, ठीक है। तो ये थे आपके बच्चों वर्ड मीनिंग और इसके सेंटेंस। अब हम देखते हैं आगे इस वर्कशीट को। तो अब है बच्चों बी पार्ट, मैच द वर्ड इन द लिस्ट ए विद द मीनिंग इन लिस्ट में। तो बी ए लिस्ट में और बी लिस्ट में जो वर्ड्स हैं और जो मीनिंग है उनको आपको मैच करना है। जैसे कि फर्स्ट आपका फेंटेड, फेंटेड क्या होता है, बेहोश हो जाना। तो इसका हम करेंगे लॉस्ट कॉन्शियसनेस, तो फर्स्ट का करेंगे लॉस्ट कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट है वॉन्डेड, वॉन्डेड मतलब जख्म लग जाना, मतलब चोट लग जाना। तो इसका हम करेंगे सेकेंड का हम करेंगे सीवियरली इंजर्ड, तो सेकेंड हो गया सीवियरली इंजर्ड, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट अवोक, अवोक मतलब जगना, मतलब नींद से जगना, तो ये आएगा आपका गॉट अप फ्रॉम स्लीप, तो ये आपका हो गया थर्ड गॉट अप फ्रॉम स्लीप। तो इसको मैं यहाँ पे मैच भी कर देती हूँ, हो गया ठीक है, ये आपका थर्ड को हो गया। नेक्स्ट है आपका फॉरगिव, फॉरगिव मतलब माफ़ करना, इसका हम करेंगे पार्डन। नेक्स्ट है पीटी, पीटी मतलब किसी के ऊपर दुख मनाना, किसी को दुख फील करना, तो इसका आप कहेंगे फील सॉरी फॉर, ठीक है। सिक्स आपका बैट्स, बैट्स मतलब इसमें हम कहेंगे स्मॉल, जो कि इसमें क्या है स्मॉल पिचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट, तो ये है आपका सिक्स का।
कि जो प्लांट के जो बनाए जाते हैं छोटे छोटे, जिससे हम आराम कर पाते, तो ये बेड रिटर्न मतलब गिव बैक, यहाँ पे सेवन का, ठीक है। तो इस प्रकार आप इनको मैच कर लेंगे, ठीक है। सेवन, थर्ड, वन, सिक्स, टू, फोर एंड फाइव, तो ये आपकी नंबरिंग है। इसको मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट आपका सेवन से मैच होगा, सेकेंड आपका थर्ड से, फिर आपका ये वन, ये सिक्स से, ये आपका टू से, और ये आपका फोर से, आपका फाइव से मैच शीट आप इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो आपकी पूरी वर्कशीट बच्चे कंप्लीट होती है। वर्कशीट का सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ बच्चे आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है बच्चों। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो की आपसे अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर पाएँ। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। और प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।